जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट का सस्पेंस खत्म। भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। जिस सीट को लेकर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय को टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उधर देवेंद्र सिंह को टिकट मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। देवेंद्र सिंह भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सार्वजनिक कर दिया कि जिस सीट को लेकर पूरे झारखंड की निगाहें टिकी हुई थी, उस सीट पर भाजपा ने देवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया है। वैसे 18 नवंबर को जमशेदपुर पश्चिमी से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह, जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री रघुवर दास और जुगसलाई विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मोचीराम बौरी नामांकन करेंगे। उधर 10 बजे मुख्यमंत्री रघुवर दास एग्रीको मैदान से निकलेंगे और आम बगान मैदान पहुंचेंगे, जहां देवेंद्र सिंह और मोचीराम बौरी को लेकर उपायुक्त कार्यालय में पर्चा दाखिल करेंगे। बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा नहीं करना। मिल गया था हम लोगों को, मिल गया था, मोदी जी डाल दिए ना। नहीं, मोदी जी नहीं डाले। तो ये मेरा कर्म क्षेत्र है, चाहे वह विद्यार्थी परिषद का जीवन हो 1980 से लेकर के और 2000 ये जो 19 है, हम लोग का जीवन संघर्ष कर रहा है। हम कार्यकर्ता हैं, हमने 95 से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने का प्रयास किया, भाजपा टिकट नहीं दिया, 2000 में नहीं दिया, 2005 में सरयू राय जी आए। तो कार्यकर्ता को जब टिकट नहीं मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो कार्यकर्ता हैं ना, दल हमको नेता बनाता है और कार्यकर्ता हम कार्यकर्ता तो हैं ही। हमें कोई गम नहीं कि हमें टिकट नहीं मिला, मैं जिताने का काम करता हूँ। जब माननीय सरयू राय जी 2005 में जब लाए गए थे तो हम भी प्रबल दावेदार था। हमको उस समय माननीय अर्जुन मुंडा जी, माननीय रघुवर दास जी ने फोन से कहा कि देवेंद्र सिंह तुमको जिताना है इनको। हमने कहा मैं कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता के नाते हमारा धर्म होता है कि मैं जिताऊँगा। सरयू राय जी मेरे प्रत्याशी हैं, हमारे अग्रणी नेता हमारे हैं, मैं जिताऊँगा ये तो शक मत करिए आप लोग। हम टिकट के दावेदार हैं, इसका मतलब कि हम किसी दूसरे को मिल गया तो मैं नहीं जिताऊंगा, मैं भयंकर जिताऊंगा। जीते सरयू राय जी, लगातार जीते हैं, एक बार केवल हारे हैं। तो कार्यकर्ता हमेशा उसका जीवन संघर्ष कर रहा है और चुनाव में टिकट मिले नहीं मिले उसका कोई गम नहीं रहता है, हमारा दल आगे बढ़े उसका यह सोच रहता है। हम विचारधारा के लिए हम लड़ते हैं, हम उसी के लिए आगे बढ़ेंगे और चले जाएंगे। हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इस स्टेट में रघुवर दास की सरकार जो इतना अच्छा काम किया है कि रघुवर दास गांव-गांव में आज रघुवर जी हैं, उसने इतना अच्छा काम किया कि मैं तो चूंकि पूर्वी सिंहभूम का प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी का, मैं 2.5 साल से उस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। गांव का हर व्यक्ति आदिवासी कोने में, जहां बिल्कुल जो मैंने निरी एरिया है, जो जंगल है, जो घोड़ा बाधा का एरिया, मैं वहां भी काम किया हूं। मैं बड़ाम में काम किया हूं जब जिला अध्यक्ष था, मैंने 2000 में 98 से 2001 तक मैं जिला अध्यक्ष था बीजेपी का। तो आज जो सरकार हमारी रघुवर जी की है ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय श्री रघुवर दास जी हैं, मोदी जी का तो पूछना ही नहीं है को कितने लोकप्रिय हैं। और यहाँ के ये चुनाव जो मैं लड़ रहा हूँ, हम नहीं लड़ रहा हूँ, ये कार्यकर्ता लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह में देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कार्यकर्ता सड़क उतरे हैं कि लगा उनको कार्यकर्ता को टिकट मिला, तो कार्यकर्ता यहाँ का चुनाव लड़ेगा और जनता हमारे साथ रहेगी, हम यह चुनाव जीतेंगे। जनता के बीच मिलने जाएंगे, हमें मिलने जा सकता हूँ। हमें देखता हूँ, यदि वो कल नॉमिनेशन फाइल कर लेते हैं तब तो मैं सोचूंगा उसके बारे में कि मिलना है कि नहीं मिलना है। हमारे अग्रणी नेता है, मैं सोचूंगा उनके बारे में। यदि कल वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो ठीक है, वहाँ भेंट होगी तो आशीर्वाद ले सकते हैं उसे जीतने का। कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें मालूम है ना, हमें मालूम है कि हमें क्या निर्देश है, सब कार्यकर्ताओं को मालूम है, कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का सीट पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी क्षेत्रों का है, चाहे पटमदा की सीट हो, जुसलाई विधानसभा की चाहिए हो, जो पुटका की सीट हो, घाटशिला की हो, बहरागोड़ों की हो, जमशेदपुर पश्चिम की हो, पूरब की हो, बिल्कुल कार्यकर्ता बहुत जोश में है और चुनाव जिताएगा सबको। कांग्रेस से बनना है, कोई भी हो बनना, देखिए बन्ना जी तो
उनका क्या नीति है मैं ज़्यादा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, किस दल में कब चले जाएंगे। तो जमशेदपुर की शहर की जनता पढ़ी लिखी है, यहाँ के मजदूर जानते हैं कि जो अस्थाई व्यक्ति होता है उसको चुनने का प्रयास करते हैं। और यहाँ बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ है, लोग बीजेपी में आने के लिए जितने नेता हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है कि भारतीय जनता पार्टी हमको सीट टिकट दे, मैं उसे लड़ना चाहता हूँ। क्यों? पूरे झारखंड में हर व्यक्ति का पहली पसंद बीजेपी है। यदि पहली पसंद बीजेपी है तो बीजेपी बीजेपी है, जनता का रुझान लोग नेता देख रहे हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी टक्कर किससे होगी? टक्कर अब तो मैदान में हम देखते हैं, हमारा सामने कौन आते हैं मैं देखता हूँ। जनता के बीच क्या क्या मुद्दा लेके जाएंगे? जनता के बीच में मुद्दा एक तो हमारी सरकार ने जो काम किया है उस काम के आधार पर हम वोट मांगेंगे, और हम जनता को कुछ न कुछ नया चीज़ में देने का प्रयास करूँगा। चूँकि हम कार्यकर्ता हैं, हम ज़मीन पर भी बैठता हूँ और हम संघर्ष भी करते हैं, हम जेल भी गए हैं, चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन हो मैं 22 दिन जेल में रहा, चाहे छात्र जीवन में कोऑपरेटिव कॉलेज का छात्र संघर्ष समिति का पीजी का आंदोलन हो मैं उसमें भी जेल गया हूँ, मैं फ्रीशिप के आंदोलन में जेल गया हूँ। हमारा जेल जाने का संघर्ष का मेरा बहुत पुराना इतिहास है, इसलिए संघर्ष का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास, मैं उस पर भाषण देने लगूँ लंबा समय चलेगा।